डर बरकरार है, कभी भी कर सकता है पैंथर शिकार। खेत पर मिला पैंथर शावक का शव, ग्रामीणों में भय का माहौल। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर तहसील के आसावरा माता क्षेत्र के रेवारियों की ढाणी के समीप एक खेत में लगभग 1.5 साल उम्र के एक पैंथर शावक का शव दिखाई देने से अचानक क्षेत्र में हड़कंप फैलकर भय का माहौल हो गया है। जैसे ही ग्रामीणों को खेत में पैंथर होने की सूचना मिली तो बड़ी संख्या में ग्रामीण खेत की तरफ दौड़ पड़े और काफी देर तक दूर से देखने के बाद जब पैंथर में कोई हलचल नहीं दिखाई दी तो डरते डरते उस पैंथर के नजदीक तक जा पहुंचे। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो पैंथर तो मृत पड़ा है और वो एक पैंथर के शावक का शव है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना सरपंच अशोक रायका को दी, जिस पर सरपंच ने वन विभाग के अधिकारियों को खेत में पैंथर के मृत शावक के होने की सूचना दी। सूचना मिलने के तुरंत बाद चित्तौड़गढ़ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृत पैंथर के शावक को अपने कब्जे में लेकर पैंथर शावक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संभवतया पैंथर्स की आपसी लड़ाई में ही पैंथर शावक की मौत हुई है, हालांकि हकीकत तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ सकेगी। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस मृत शावक की उम्र लगभग 1.5 साल बताई जा रही है और इसकी मौत का कारण पैंथर्स की आपसी लड़ाई को ही बताया गया है। गांव के खेत में इस प्रकार से पैंथर का शव मिलने से ग्रामीणों में अब और ज्यादा डर का माहौल है, जिससे ग्रामीण काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर पैंथर है तो वो कभी भी ग्रामीण और मवेशियों पर हमला कर सकता है। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट।